जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय एक, बैसाख मास की श्रेष्ठता। बैसाख मास की श्रेष्ठता, उसमें जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा है। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र दिवर्षि नारद से पुण्यमय बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वस्त्रों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थादि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर छठ अंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख श्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को बैसाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसी ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृपश्रेष्ठ, प्रपादान, पौसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में
जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञ का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्ती से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्म लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भूपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।